अच्छा, अभी हमने ये बलाई इकट्ठी कर ली, सारी हमने निकाल ली है। ये तकरीबन एक महीने की मेरी बलाई है जो दूध के ऊपर से उतरती थी, वो थोड़ी थोड़ी करके मैंने फ्रीज़र में सेव कीजिएगा, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे ख़राब हो जाएगी। फ्रीज़र में सेव कर ली और आज सुबह से मैंने निकाल के रखी हुई थी और शाम तक ये मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसका देसी घी बनाऊंगी। सिंपल, कोई मक्खन नहीं लगाना, कोई दही की जाग नहीं लगानी, कुछ भी नहीं, बस सिंपल बलाई निकाली और कढ़ाई में डाल के अभी हम चूल्हा ऑन करेंगे। और इस तरह का ये देखें, जिन नोकदार सा है ना चम्मच को, ये आपने ऐसा देना कि ये, क्योंकि नीचे लगने का इसका होता है, जैसे ये थोड़ी नरम होगी ना तो फिर इसके अंदर फिर हम डालेंगे। कोई लोग बाजरा डालते हैं, कोई लोग दलिया वगैरह कुछ भी डाल लेते हैं हलवा बनाने के लिए, क्योंकि इसका फिर देसी घी का हलवा भी बड़ा मज़े का बनता है। तो मैं तो क्योंकि फेंक देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा आटा डाल देती होती हूँ, तो वो फिर नीचे लगने का ख़तरा होता है। वैसे भी जब मेल्ट होगी ना तो फिर ये नीचे लगती है, तो फिर इसको यूँ खुरचना होता है, साथ साथ चम्मच चलाना होता है। जब ये मेल्ट हो जाएगी फिर हमने चम्मच चलाते रहना है क्योंकि नीचे ना लगे। तो फिर ऊपर जब देसी घी आ जाएगा तो वो फिर हम चूल्हा बंद करके ऊपर से उतार लेंगे। अभी इसके मेल्ट होने का थोड़ा सा गर्म हो जाएगी, फिर मेल्ट हो जाएगी। बलाई वो मेल्ट हो गई थी तो मैंने इसके अंदर इधर ना मारना, मैं इसे दिखाती हूँ, ये एक मुट्ठी के जितना आटा जो है ना वो इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, अब मैं दोबारा इसलिए बता दिया, एक मुट्ठी जितना आटा हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं साथ। बेशक आप चम्मच थोड़ी देर के लिए रख दें, लेकिन आपने पास ही खड़े होना है ताकि नीचे लगे नहीं, वरना बर्तन धोने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तो वो फिर सारा चिपक के जल जाएगा। तो बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच लाते रहें, फिर जब बलाई पकेगी तो उसके अंदर जितना भी ऑयल है देसी घी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा और ये सारा मवाद नीचे रह जाएगा। और फिर जब सारा ऑयल बन जाएगा, पानी सारा उड़ जाएगा, तो फिर हम ऊपर से आराम से देसी घी निकाल लेंगे। तो मिलते हैं आपसे जब आयल इसका सारा ऊपर आ जाएगा। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए, ये अब हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, ये इसने, ये ऊपर घी आ गया है। ठीक है, अभी ये जो नीचे थोड़ा बहुत ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है ना, थोड़ा बहुत तो लगता है, ये चिपक जाता है, लेकिन आप इस चम्मच की मदद से जब उसको खुरचते हैं ना तो वो आराम से उतर भी जाता है। अब मेरी कढ़ाई इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई, आप देख सकते हैं नीचे लगा हुआ नहीं है। ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये मैं फेंक देती हूँ, लेकिन अगर आपके बच्चे या घर वाले शौक से खाते हैं तो आप इसमें सूजी या बाजरा या वो करके ना उसको पी पीस के मोटा मोटा बाजरे को वो डाल सकते हैं, उसका हलवा बड़े मज़े का बनता है। फिर आप घी निकाल के उसका हलवा बना के तो वो आप अपने घर वालों को खिला सकते हैं। तो हमारे घर में कोई देसी घी पसंद ही नहीं करता, सिर्फ मेरे हस्बैंड खाते हैं, ये मैं उनके लिए बनाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं ये नीचे वाला मटेरियल जो है ये फेंक देती हूँ। अब इसको यूँ करेंगे कि एक पोना लेके, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आ सकता है साथ, तो ये हम मैंने बाल्टी रखी हुई है, इसके अंदर मैं देसी घी, ये देखिए मेरा पहले का देसी घी ख़त्म हो गया, ये मैं देसी घी घर में ही बनाती हूँ, ये पहले वाला, इससे मैं पराठे बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो इस चम्मच को हम निकाल लेते हैं, तो इसी में ही मैं ये वाला घी जो है इसको निकालूँगी यूँ करके ऐसे छान के, ताकि ये जो है इसके अंदर ये जो मटीरियल है ये ना जाए।
रखना है। थोड़ा थोड़ा यूँ करके छान के इसको चम्मच की मदद से थोड़ा करीब कर लेते हैं और ये ऐसे। ये मेरी सबसे बारीक छलनी है घर में, इससे मैं सिर्फ ये देसी घी वाला ही काम करती हूँ छानने वाला। ये थोड़ा सा मैसी होता है काम, थोड़ा सा आपके बर्तन भी ज़्यादा बन जाएंगे और थोड़े से ऑयली होंगे, लेकिन देसी घी भी तो आप घर में खुद तैयार कर रहे हैं ना, बाहर का तो खालिस नहीं मिलता हमें, और आजकल महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, मिलता भी है तो बहुत महंगा। एक चीज़ जब मिले और अच्छी भी ना हो और इतनी महंगी हो तो उसका फ़ायदा क्या। घर में बनाए आपके बच्चे भी खाते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, वैसे मेरे बच्चे नहीं खाते। इस तरह करके हम सारा निकाल लेंगे। मुझे तो ये बहुत इजी लगता है, वे डायरेक्ट बलाई को चढ़ा के पकाने वाला,